हेलो दोस्तों, पीएचपी की वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे सेशंस के बारे में। सेशन जो होता है वो एक एरे होता है, उसके अंदर जो भी वैल्यूज हम स्टोर करते हैं वो हम हमारे ब्राउजर में किसी भी और पेज में यूज कर सकते हैं। मतलब एक पेज से अगले अगले या फिर अदर पेज पे हम सेशन की मदद से वैल्यू प्रिंट कर सकते हैं या फिर हम यूज कर सकते हैं। तो देखते हैं कैसे हम सेशन यूज करते हैं और कैसे हम सेशन राइट करते हैं। सेशन राइट करने के लिए हमें पहले सेशन स्टार्ट करना होता है। जैसे कि स्टार्ट करने के लिए सेशन स्टार्ट जो उसका सिंटैक्स है, सेशन स्टार्ट जो उसका सिंटैक्स है वो हमें देना पड़ता है। ठीक है, तो इसकी मदद से सेशन अब स्टार्ट हो जाता है। अब हम क्या करेंगे, HTML का थोड़ा कोड लिखेंगे। टाइटल गेट सेट वैल्यूज, यहाँ पर टाइटल दे देते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो हमारा रन हो चुका है, बॉडी बॉडी के अंदर हम क्या करेंगे, एक PHP टैग देंगे और यहाँ पर कुछ सेशन को वैल्यूज हम सेट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, डॉलर सेशन, डॉलर अंडरस्कोर सेशन, ये जो एरे है वो ले लेते हैं और उसके अंदर कुछ वैल्यू हम स्टोर कर देते हैं की और वैल्यूज की मदद से। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, फेवरेट कलर ऐसे एक की दे देता हूँ और उसको एक वैल्यू पास कर देता हूँ, जैसे कि ग्रीन मैंने वैल्यू पास कर दी। और एक और सेशन में एक की दे दूंगा, डॉलर अंडरस्कोर सेशन। ठीक है, और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, फेवरेट एनिमल एनिमल ऐसे एक की दे दूंगा और यहाँ पर मैं लिखूंगा कैट। ठीक है, ऐसे अब देखें, जैसे कि आपने देखा मैंने यहाँ पर दो वैल्यूज सेशन को सेट कर दिए। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, एक इको डालूंगा जो कि लिखेगा सेशन वेरिएबल्स आर सेट, सेशन वेरिएबल्स आर सेट। ठीक है, सेशन वेरिएबल्स आर सेट यहाँ पर मैंने लिख दिया है। अब ये वेरिएबल सेट हो चुके हैं, तो अब हम पहले इसे रन करके देखते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर रिफ्रेश कर दिया, सेशन वेरिएबल्स आर सेट, मतलब सेशन की वेरिएबल जो यहाँ पर सेट हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, गेट वैल्यूज जो फाइल है उसके अंदर हम वो सेशन के वेरिएबल्स यहाँ पर फेच करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि मैंने कहा सेशन स्टार्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, सेशन स्टार्ट जो लाइन सिंटैक्स है उसकी लाइन है वो हमें यहाँ पर डालनी है। ठीक है, सेशन स्टार्ट यहाँ पर मैंने कर दिया। अब हम नीचे क्या करेंगे, HTML का एक कोड लेंगे, उसके अंदर हम वो वैल्यूज फेच करेंगे। गेट वैल्यूज टाइटल से दे देते हैं और बॉडी के अंदर हम क्या करेंगे, वहां पर PHP टैग देंगे और वो वैल्यूज जो है सेशन को सेट किए हुए वो हम यहाँ पर फेच करेंगे। मैं एक इको डालूंगा, इको के अंदर लिखूंगा माय फेवरेट कलर, माय फेवरेट कलर इज, और मैं सेशन से वो वैल्यू दे दूंगा, जैसे कि डॉलर डॉट यहाँ पर एरे, एरे नेम अंडरस्कोर सेशन है कैपिटल है सेशन, और इंडेक्स है, इंडेक्स था मेरा फेवरेट कलर FAVCOLOR। ठीक है, ये जो मैंने यहाँ पर दिया था, उसके बाद मैं क्या करूंगा यहाँ पर डॉट डाल के BR टैग दे दूंगा। ठीक है, अब क्या होगा, जैसे मैं ये फाइल रन करूंगा तो मेरा फेवरेट, देखिए सेशन वेरिएबल्स आर सेट और गेट वैल्यूज में माई फेवरेट कलर इज ग्रीन, जो यहाँ पर मैंने इस सेशन के वेरिएबल को यहाँ पर सेट वैल्यूज में सेट करके रखा था। जैसे मैं यहाँ पर रेड करूंगा, ठीक है, तो यहाँ पर अब उसे वेरिएबल पहले ही वैल्यू सेट हो चुकी है, तो मुझे क्या करना होगा, पहले गेट वैल्यूज रन सेट वैल्यूज रन करना है, तो वैल्यूज सेट हो जाएगी और फिर उसके बाद क्या करना है, गेट वैल्यूज करना है, तो अब यहाँ पर रेड हो जाएगा। ठीक है, तो वैल्यूज मैंने सेट कर दी और यहाँ पर हो गया। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, ऐसे ही मेरा जो फेवरेट कलर मैंने सेशन से फेच किया, मैं यहाँ पर फेवरेट एनिमल फेच करूंगा, एनिमल फेच करूंगा और यहाँ पर फेवरेट एनिमल दे दूंगा एनिमल इज। ठीक है, मैं यहाँ पर रन करता हूँ,
देखिए फेवरेट एनिमल इज कैट यहाँ पर आ चुका है, तो मुझे क्या करना है अब मेरा फेवरेट एनिमल जो है वो डॉग करना है, मैं यहाँ पर डॉग दे देता हूँ। लेकिन अब मुझे पहले यहाँ पर गेट वैल्यूज में कैट ही रहेगा क्योंकि मैंने अभी तक ये सेट नहीं किया है। जैसे मैं सेट वैल्यूज की फाइल रन करूंगा तो ये वैल्यूज या वो यहाँ पर मैंने चेंज की थी वो अब सेट हो चुके हैं। तो अब मैं क्या करूंगा, गेट वैल्यूज फिर से रन करूंगा और देखिए यहाँ पर वो वैल्यूज सेट हो चुके हैं। ठीक है, तो इस ट्यूटोरियल में देखा कि कैसे हम सेशन की वैल्यूज सेशन को सेट कर सकते हैं और कैसे हम सेशन की वैल्यू वहां से ले सकते हैं और उसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ कि सेशन के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ चुका होगा, कैसे हम यूज करते हैं और कैसे हम उसे राइट कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल में, धन्यवाद।